हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं शिनजियांग रेस्टोरेंट में शिनजियांग स्टाइल फूड खाने, और बाद में हम एक होटल में शिफ्ट होने वाले हैं। आपको आगे मैं बताऊंगी क्यों। रैंडमली आए हैं हम यहाँ पे खाने के लिए। मैम गुडिन और इवान, आज फाइनली वो फ्री हुआ है। हमेशा पता नहीं कहीं ना कहीं जाता रहता है, तो बस आज हम हॉट पॉट खाएंगे इवान के साथ। हेलो मम्मा, से शीशे मम्मा। इसके होंठ पे चोट लग गई थी, सीढ़ियों से गिर गया था 2-3। मैं बस 5 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गई, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस रेस्टोरेंट में ज़्यादातर लोग हॉट पॉट खाने के लिए आते हैं, लेकिन इवान हमारे साथ है तो हमें कुछ और ही मंगाना पड़ेगा। देखते हैं ओडिन क्या मंगाता है। लेकिन इवान हमेशा कोई भी ग्रेवी टाइप की चीज़ में हाथ डालना चाहता है, तो हम कुछ ड्राई जैसा मंगाएंगे आज। अभी से ही बेचैन हो रहा है, इसको कार्टून वार्टून दिखा के शांत करना पड़ेगा। चाइना में अगर आपको मटन खाना है तो शिनजियांग रेस्टोरेंट ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट में सिर्फ बीफ पोर्क वगैरह ही मिलता है ज़्यादातर, और शिनजियांग रेस्टोरेंट काफ़ी मिल जाएंगे आपको। कुकुम्बर सैलेड और सीफ वेजिटेबल सैलेड, ये होती है बहुत स्पाइसी, बहुत खट्टी। इसमें धनिया होता है, कुकुम्बर होता है, सोया सॉस होता है, लाल मिर्ची होती है, थोड़ा गार्लिक होता है। आप भी बना के देख सकते हो, बस यही सब होता है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं होता। थोड़ा विनेगर भी डाल देना चाहिए। ये तो चाय है, आप जानते ही हो, रेस्टोरेंट में फ्री में ही मिल जाती है ये। यहाँ पे भी मनी गॉड लगे हुए हैं, देखो पीछे। तो लगता है ओडिन ने मुझे खुश करने के लिए, क्योंकि मुझे मटन पसंद है, उसने एक गोट लेग मंगवाया, जो कि यहाँ पे ही देख सकते हो आप, शायद ही आपको ज़्यादा जगह मिलेगा। ये है गोट लेग, और मटन मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है, मेरी फेवरेट चीज़ है, मैंने किसी को बताया नहीं, बट ये है। अभी काटेंगे यहाँ पे और काटेंगे, और यहाँ पे इसको ये कर रहे हैं ग्रिल जैसा कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ओ माय गॉड, सो मच। कैसे ख़त्म करेंगे हम ये, दो लोग? बट जो भी है, स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा हेवनली। बब्बू ही इज़ नॉट इवन पेइंग अटेंशन, वो अपने गेम में लगा हुआ है। ओडिन फीजियो मंगवा रहा है, यानी बियर। और बाहर इतनी ठंडी है ना, बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है, बाबा मेरे तो पैर एकदम जम रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ठंडी, यानी आप झेल नहीं सकते कि ठंडी हो रही है बाहर शंघाई में। पता नहीं कितना टेम्परेचर चल रहा है, पानी जमा हुआ था ब्रिज से टपकता हुआ पूरे रास्ते में। और जो भी है, हम एंजॉय करेंगे आज की मील। आप में से कितने लोग मटन खाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपने इस टाइप से खाया है कि नहीं वो भी बताना मुझे। जो गोट है ना, इजीली मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है, हर जगह लोग खाते नहीं है गोट, क्योंकि शायद इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल लगता है जो भी है। तो यहाँ पे यानी बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा पीस मिलना। अब हम खाएंगे, ओह माय गॉड, गरम। बहुत ही टेस्टी, हम इसमें मसाला लगा के खा रहे हैं, हेवनली। ज़्यादा ही डाल दिया। ओके, इसको ऐसे लगा के, बहुत गर्म है बाबा। अब
थोड़ी देर वो लेके चले गए थे जब तक हमारा खत्म नहीं होता, फिर वो और उसको तंदूर करके लाए हैं वापस से। देखिए हाउ टेस्टी। मुझे पता है कई लोग एकदम वो करेंगे, कई लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा, बट मटन तो बहुत लोग खाते हैं यार, शर्माने वाली बात कोई नहीं है। ओडिन ने लिटरली सिर्फ एक पीस चखा, बिल्कुल नहीं खाया, और इतना सारा बच गया तो वो हम होटल में ले जा रहे हैं पैक करा के। तो गाइस हमने फिर टैक्सी ली और एक होटल बुक किया, और होटल पहुंचते ही बाहर सड़क पे किसी का हमको बैग पड़ा हुआ मिला, और ओडिन ने मुझे बोला एक वीडियो निकालने के लिए उसका, ताकि कोई हम पे इल्ज़ाम ना लगाए। ओडिन ने फिर बैग को अंदर ले जाके पूरे आईडी वाईडी चेक किए और कॉन्टैक्ट किया जिसका बैग था, और वो आके लेके भी चला गया, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो घर में हमको थोड़ी ठंडी, काफ़ी ठंडी लग रही थी क्योंकि हीटिंग नहीं है हमारे यहाँ पे शंघाई वाले घर में। तो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी इवान के साथ कि उसको हमेशा जब भी नीचे ले जाना है रूम से बाहर, यू नो जहाँ हीटर नहीं है, हमेशा उसको कपड़े पहनाओ, उतारो उसको, जैकेट्स 3-4 लेयर, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग हो गए हैं आज होटल में शिफ्ट, और आपको दिखाती हूँ मैं कैसा है ये होटल। तो गाइस ये स्टैंडर्ड रूम है, यहाँ पे चाइना में कोई भी होटल का स्टैंडर्ड रूम ऐसा ही होता है। घुसते ही वॉशरूम है लेफ्ट साइड में, और अच्छा खासा है, क्लीन है, टी वाटर आपको मिल जाएगा चाइना के किसी भी होटल में, और ये है गर्म पानी का कैटल, मिलेगा ही मिलेगा, कपड़े कुछ टांगने की जगह। तो ये मैं शंघाई की बात कर रही हूँ, शंघाई में ये होटल है गाइस, शंघाई के अच्छे एरिया में है ये, साउथ शंघाई में। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने बेडिंग दी हुई है, शायद ये ब्लैंकेट दिया हुआ है मोटा सा, थोड़ा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ प्रोजेक्टर लगाया हुआ है टीवी की जगह, तो काफी अच्छा है, प्रोजेक्टर है काफी बड़ा सा, और एक सिंपल सा अच्छा सा रूम है बस ये। वॉशरूम सी थ्रू है यहाँ से, यहाँ पे एक एयर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है जो बहुत अच्छा, मैंने पहली बार इतने ध्यान से देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब यहाँ पे शिफ्ट होंगी तो मैं एक प्यूरिफायर जरूर लूंगी ऐसा ही। सिंपल सा रूम है और कुछ रैंडम सी पेंटिंग लगी हुई है ऊपर, यहाँ अच्छी खासी टेबल दी हुई है, आपको काम वाम करना है तो बिजनेस रिलेटेड, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है लैपटॉप पे बैठ के। मैंने क्योंकि हम जहाँ होटल में जस्ट खा के आए, तो जिस होटल में हम जस्ट खा के आए वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बेबी के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, थी कुछ सब्जियाँ वगैरह बट वो सब बंद हो चुकी थी, वो सब खत्म हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ इस होटल के पास में एक मैकडोनल्ड्स दिख गया मुझे, तो मैं इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन हो सकता है वो मैं उठा के ले आई। एक तो फिश बर्गर, उसमें से मैं जो फिश की वो है ना पैटी रहती है उसको निकाल के दे रही हूँ, और दूसरा एक स्वीट पोटैटो का वो फिलिंग वाला पेस्ट्री है, दिखाती हूँ आपको मैं। बब्बू नहीं, एस्ट्रे नहीं तोड़ना है बब्बू, इवान के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ होटल की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आपको एकदम टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, बहुत टेम्परेचर अच्छा रहता है। ये लेके आ गई मैं इवान के लिए, एक तो खा रहा है ये, देखो बब्बू कहाँ ले जा रहे हो एस्ट्रे को, ये देखो उसके हाथ में है। बब्बू होटल का ब्रेकफास्ट टाइम, गेट रेडी। फोन लाइन ही काट के रख दी है मैंने फोन लाइन, क्योंकि इतना खेलता रहता है इससे, हमेशा किसी ना किसी को कॉल लगाता रहता है ना बप्पू। तो यहाँ पे कुछ सॉसेजेस हैं और यहाँ पे सब्जी है, यहाँ की सब्जी और यहाँ का सैलेड जैसा है, तो लोटस रूट्स वगैरह का सैलेड है। ये सब्जी है बहुत ही इंडियन सब्जी के जैसी है, खट्टी खट्टी सी और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और यहाँ पे देखो फ्राइड राइस, और यहाँ पे कुछ ब्रेड है एग वाली, अलग अलग कलर की थी, ख़त्म हो गई क्योंकि अभी टाइम ख़त्म हो गया ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे बंस हैं, ये वाले दोनों स्टीम बंस हैं बट ये वाले ज़्यादा टेस्टी है, स्प्रिंग अनियंस वाले। यहाँ पे कुछ दलिया है, यहाँ का राइस का कॉन्जी बोलते हैं उसको, अलग अलग टाइप का। और मेरा फेवरेट पार्ट ये है, इसमें यानी सब कुछ यहाँ के सब कुछ, जो सैलेड जो अचार है ना चाइना का वो सब है यहाँ पे, और क्या टेस्ट है इसका, मैं तो एकदम फैन हो गई हूँ।
यहाँ पे वो स्वीट डिश और टमाटर अंडे और ये शायद कुछ चाय है। हाँ, और ये किसी को अंडे का आमलेट बनाना है। तो बब्बू इसको खाते हैं ना, खेलते नहीं है। बब्बू और मैं, बब्बू को बहुत अपने पसंद का खाना मिल गया। बब्बू खाओ ना, कुछ कुछ है ना रखा रखा ड्राई हो गया, क्या करें। ओ ये वाली ब्रेड सॉफ्ट है बब्बू, ला। सब कुछ वाकई में बहुत बढ़िया है, बस ये ड्राई है। और ये ना ये सब्जियां जो है, अचार है यहाँ का, बहुत ही टेस्टी है। इनफैक्ट जो मैंने दूसरी जगह खाया उससे अच्छा है। ये स्वीट डिश है, ये स्वीट डिश है। एक नूडल का ऑप्शन भी है यहाँ पे। इवान के लिए एक अंडा। मैं और इवान कर लिए हैं ब्रेकफास्ट, अब हम जा रहे हैं शायद बाहर, सुपरमार्केट जाएंगे, कहीं घूमेंगे या फिर रूम पे जाएंगे। मोस्ट लाइकली बाहर ही घूमने जाएंगे, लेकिन मेरे को बहुत ठंडी लग रही है, मैं थोड़े गर्म कपड़े पहनूंगी।